इस धरती में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 90% लोगों की ये समस्या है कि वो मोटापे से परेशान हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी फिट नहीं है, या फिर वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। एक टाइम था जब हर इंसान अपनी बीमारियों को कम करने के लिए और एक तंदुरुस्त लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जिम या फिर फिटनेस सेंटर की तरफ दौड़ता था, लेकिन आज की डेट में हर इंसान योग के प्रति जागरूक है। भारत में जिस तरह से योग को लेकर हर दिन नई नई संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं ग्लोबली भी लोग भारतीय योग को महत्व दे रहे हैं। आज की डेट में कई सारे योग ट्रेनर्स आपको अंग्रेज भी मिलेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको 5 आसनों के बारे में बताया जिनके जरिए आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। ये आसन थे धनुरासन, पश्चिमोत्तरासन, भुजंगासन, पूर्वोत्तनासन और कपालभाति। हमारे इस कंटिन्यूएशन वीडियो में हम आपको आगे के आसनों के बारे में बताएंगे। इन आसनों को करने से न सिर्फ आपकी पेट की चर्बी कम होगी, बल्कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों में मोटापे के रूप में जो चर्बियां इकट्ठी हुई हैं, वो टूटकर लूज होने लगेगी। और धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करते हुए आपकी ये चर्बी पिघल कर आपको एक नॉर्मल बॉडी शेप देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और आपको बताते हैं हमारे अगले आसन यानी बालासन के बारे में। इस आसन को करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की चर्बी घटती है। शरीर के भीतरी अंगों में लचीलापन आता है। ये आसन शरीर और दिमाग को शांति देता है। आइए अब बताते हैं आपको कि इस आसन को कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं और शरीर का सारा भार एड़ियों पर डालें। गहरी सांस लेते हुए आगे की ओर झुकें, कुछ इस तरह से कि आपका सीना जांघों को छूना चाहिए। अब अपने माथे से फर्श को छूने की कोशिश करें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें और उसके बाद वापस उसी अवस्था में आ जाएं। जब तक आपसे सामान्य रूप में ये आसन हो पाता है, इसे करें और दिन प्रतिदिन अभ्यास करते हुए इस आसन के अभ्यास की संख्या को बढ़ाते जाएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ जो है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन में ऊंट की आकृति बनाई जाती है, इसी वजह से इसे ऊष्ट्रासन कहते हैं। यदि पेट ज्यादा निकला है तो इस योग से आपका पेट, कमर, छाती और बाहों पर जमी हुई चर्बी पर असर पड़ता है और वो धीरे धीरे कम होकर आपको एक फिट बॉडी की तरफ आगे बढ़ाती है। इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठकर अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों से कमर तक का भाग सीधा रखें और पीठ को पीछे की ओर मोड़कर हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ लें। अब सिर को पीछे की ओर झुका दें और इसके बाद धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले आसन की तरफ जो कि है अग्निसार आसन। दरअसल पेट पर चर्बी जमने का एक बहुत बड़ा कारण होता है पाचन तंत्र का ठीक से काम न करना। शरीर में मोटापे की समस्या अक्सर उन लोगों को ज्यादा आती है जिनकी पाचन क्रिया गड़बड़ाई हुई होती है। यहाँ तक कि शरीर में दुख और व्याधियाँ या फिर बीमारियाँ इसी वजह से आती हैं क्योंकि पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है। कहते हैं ना कि पेट से ही सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं और अगर आपने अपने पेट का उपचार कर लिया तो सारी बीमारियाँ वहीं से काफूर भी हो सकती हैं। इस आसन के द्वारा पाचन प्रक्रिया को गति दी जाती है और उसे मजबूत बनाया जाता है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी धीरे धीरे घटती है और मोटापा दूर होने लगता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है उन लोगों को खास तौर पर इस आसन को करने की हिदायत दी जाती है। इस प्राणायाम को खड़े होकर, बैठकर या लेटकर तीनों तरह से किया जा सकता है। बैठकर करने के लिए सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रखकर किया जा सकता है। इसे करने के लिए खड़े होकर पैरों को थोड़ा खोलकर हाथों को जंघाओं पर रखें, सांस को बाहर रोक दें, फिर पेट की पंपिंग करें यानी पेट को अंदर खींचें और फिर छोड़ दें। तितली की तरह फिट और फुर्तीला होना चाहते हैं तो देख लीजिए तितली आसन। इस आसन को करने से आप बिल्कुल तितली के समान हो जाएंगे और इस आसन को करने के लिए आपको जो मुद्रा लेनी पड़ती है वो भी तितली की भांति होती है, इसलिए इस आसन को तितली आसन कहते हैं। इस आसन के द्वारा पेट और जांघ पर सीधा असर पड़ता है और इससे आपकी न सिर्फ जंघाएं मजबूत होती हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी कम होके पाचन क्रिया में तेजी आने लगती है। अगर आपको जांघों और पैरों पर ज्यादा चर्बी है तो इस आसन को जरूर करें। इसे करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर तलुओं को आपस में मिलाकर एड़ियों को अधिक से अधिक निकट लाएं।
हाथों से घुटनों को पकड़कर घुटनों को ऊपर उठाकर आपस में मिलाएं और नीचे जमीन की तरफ दबाएं। 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बेहतर हो जाए तो इसकी संख्या बढ़ा लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको बताया कि अगर पेट की चर्बी को कम करना है तो उसके लिए योग आपका सहारा किस तरह से बन सकता है और निरंतर योगासन करने से आप कैसे एक तंदुरुस्त शरीर के मालिक बन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो वाकई नॉलेजफुल लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके आसपास वो सारे लोग जो मोटापा बढ़ने या फिर फिट बॉडी पाने की इच्छा रखते हैं वो इस वीडियो को देखकर एक कदम आगे बढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात। लेकिन साथ ही साथ अगर आप हमारे इसी वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे इसी टॉपिक यानी पेट की चर्बी को कम करने वाले योग आसनों का पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे 2 वीडियोस की श्रृंखलाओं में ये है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाएं और उसके लिंक को क्लिक करें और पाएं खूबसूरत काया। तो होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। अभी के लिए नमस्कार।